अक्सर आपने जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित कर उसके कागजों के जरिए कई सारे लाभ लेते तो देखा होगा, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर मृत व्यक्ति को जिंदा घोषित कर उसकी भूमि को हत्याने का प्रयास किया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बाराबंकी राजधानी कि उसके पिता की मृत्यु 7 साल पहले हो चुकी है, लेकिन अबू बकर और उसकी मां सिद्दीकी खातून उर्फ हाजरा बानो ने 3 नवंबर 2023 को उसके पिता के फर्जी हस्ताक्षर कर कृषक भूमि को अकृषक भूमि घोषित करवा दिया। सलमान का आरोप है कि उसके खेत में अवैध कब्जा करने का प्रयास भी किया जा रहा है। मामला भैया जुड़ रहा की खतौनी पर हमारा लोगन का नाम है सर, और वही बता रहे हैं कि जमीन नहीं है। जब उनके पास गए अबू बकर के पास, उसके बाद देखे न हमारे पिता लगन कौन है आपकी? हमारे पिताजी हैं सर। अच्छा, तो वो जीवित हैं? नहीं सर, वो 7 साल पहले खत्म हो चुके हैं। वो 7 साल पहले हुए खत्म, उनकी साइन और हम लोग की चचा की साइन और सब फालतू करवा लिया। उनके पास गए तो वो लोग भगा दिए, बोले कि हम लोग का यहाँ कुछ नहीं है और फालतू में परेशान ना हो। अबू बकर ये कौन है? ये मतलब जिस उन्हीं के हिस्से में हमारी जमीन है, वहाँ पे एक प्लाटिंग हो रही है। उन्हीं के मतलब वो दादा लोग की वहाँ पुरखे लोग की जमीन थी, तो चचा दादा लोग ने वहाँ पे बेची थी। तो अब वहाँ पे बोल रहे तुम्हारा कोई रकबा नहीं, वहाँ पे सब खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजे गए प्रार्थना पत्र में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि फर्जी शपथ पत्र के आधार पर न्यायालय को धोखा देकर उसकी जमीन कब्जाने का प्रयास किया जा रहा है। मामले में अनादि टीवी की टीम ने इसकी छानबीन की तो जानकारी मिली कि पीड़ित ने इस मामले से जुड़ी शिकायत पुलिस अधीक्षक बाराबंकी से भी की है। SDM विजय कुमार त्रिवेदी का कहना है कि इस मामले में दोषी पाए गए लोगों पर समुचित धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाकर पीड़ित को न्याय दिलवाया जाएगा। ये प्रकरण संज्ञानित हुआ है और इसमें मेरी वार्ता भी हुई है जिलाधिकारी महोदय से, और मैंने उनको अवगत करा दिया गया है कि ये फर्जी पाया जाता है, उसमें नियमानुसार मुकदमा दर्ज कराया जाए, और इसके साथ साथ प्रार्थी को भी बुलाया गया है, और प्रार्थी इस बात को तथ्य को स्वीकार करता है तो फिर उसके अनुसार भी उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। फर्जी दस्तावेज तैयार करके जमीन हड़पने की कोशिश करने का मामला सुर्खियों में है। मामला सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ तक पहुँच चुका है। प्रशासनिक अधिकारी मामले में जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि पीड़ित को न्याय कब तक मिलता है। बाराबंकी से अनादि टीवी के लिए देश मिश्रा।